हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 6, टॉपिक मेरी पहली केरल यात्रा। मेरी पहली केरल यात्रा की जो कहानी है, जो हमने यात्रा का जो वर्णन है वो पिछली मीटिंग में सुन लिया है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला प्रश्न है अपना श्रुत लेख, इसको प्रनाउंस करेंगे बेटा हम। इसका उच्चारण है दिल्ली, दिलली नहीं पढ़ेंगे हम, ल आधा है वो जोड़ देने का कार्य करता है। दिल्ली, छुट्टियाँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, भद्रकाली, स्नेहाशीष। नेक्स्ट है बेटा, टिक का निशान लगाना है सही विकल्प के आगे। पोवार तिरुवनंतपुरम से कितनी दूर है? तो अपना आंसर है, अपना उत्तर है 30 किलोमीटर दूर। दादाजी का फ़ोन कहाँ से आया था? गांव से आया था। तिरुवनंतपुरम से पोवार के लिए सब कैसे रवाना हुए? बस से। पोवार से होते हुए कौन सी नदी बहती है? नैयार। तो अब इन जो सेंटेंसेस हैं इनको क्या है सही क्रम में लिखना है। देखो, सबसे पहले अपना क्रम है, जो सबसे पहले जो क्रम में लिखना होता है, जो जो पाठ में सबसे पहले आया उसको घटना के क्रम के अकॉर्डिंग डालना। देखो, सबसे पहले क्या हुआ था, हम संपोवार गांव के लिए रवाना हो गए। उसके बाद हुआ था, जब वो सैर करने के लिए जा रहे थे तब यह स्वप्न लोक की सैर करने जैसा था, रेलगाड़ी में उन्हें बैठकर ऐसा लग रहा था। जब वो पहुंच गए थे तब उन्होंने देखा कि अगली जो सुबह थी वो कितनी सुखद थी, बहुत सुखद थी। नेक्स्ट था, जब सुखद थी तो वो घूमने गए थे, तब उसी के अंदर गए थे सब भद्रकाली मंदिर देखने गए, और उसके बाद सब घूम फिर के वापस कहाँ लौट आए थे? दिल्ली। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन, श्रुति के पिताजी का जन्म कहाँ हुआ? श्रुति के पिताजी का जन्म पोवार में हुआ था। श्रुति का परिवार कहाँ रहता था और क्यों? श्रुति का परिवार दिल्ली में रहता था क्योंकि श्रुति के पिताजी दिल्ली में नौकरी करते हैं। दिल्ली से पोवार तक की यात्रा कैसी रही थी? दिल्ली से पोवार तक की यात्रा रोचक रही थी। पोवार में सब कहाँ कहाँ घूमे? पोवार में सब खेत, मैदान, भद्रकाली के मंदिर और नैयार नदी देखने गए थे। दिल्ली लौटते समय श्रुति को कैसा अनुभव हुआ? दिल्ली लौटते समय श्रुति को सुखद अनुभव हुआ। नेक्स्ट, अभी तक क्ष से दो शब्द बनाने हैं, एक है कक्षा और शिक्षा। ये जो शब्द हैं ये संयुक्त वजन कहलाते हैं क्योंकि क्ष जो शब्द है इसमें आधा क और श शलगम छिपा हुआ होता है। तो ये हो गया शिक्षा, ज्ञान, यज्ञ, आधा ज्ञ और पूरा यज्ञ में छिपा हुआ होता है। त्रय में पत्र, यंत्र, श्रम में श्रमिक, श्रम। नेक्स्ट है, फ के नीचे बिंदी वाले सही शब्दों पर गोले लगाने हैं। फोन, सफ़र। अब देखो, ये सफल और ये फटना ये गलत लिखा हुआ, जो सफल के नीचे बिंदी नहीं आती, फटना के नीचे भी नहीं आती। फसल और काफ़ी, जो जो सही शब्द हैं उन पर गोले लगा दिए हैं। नेक्स्ट है, कुछ शब्द काम के करने या होने के बारे में बताते हैं, उन पर गोले लगाने हैं, इनकी क्रिया को बताते हैं। देखो बेटा, बुलाना, बुलाना एक काम है, किसी को हमने बुलाया, हम इस वक्त काम कर रहे हैं। रेलगाड़ी कोई काम नहीं है, गांव कोई काम नहीं है। बताना काम है, जाना काम है, जागना काम है, पहुँचना काम है। नेक्स्ट है बेटा, वाक्य बनाने, आना, मुझे हिंदी बोलनी आती है, देखना, मैं मंदिर देखना चाहती हूँ, थकना, काम करने के बाद थकान सी होने लगती है, रहना, मैं आप अपने जगह का नाम लिख दे, कटाड़ा में रहती हूँ या फिर गल्लू में रहती हूँ, जहाँ पर भी आप रहते हो वहाँ पर लिख दो, मैं यहाँ पर रहती हूँ। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।